आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था ना, मेरी कॉर्पस से लड़ाई हो गई थी। ये देखो, इनने मुझे जलाने के लिए टेलीग्राम पर फोटो डाली है, एंजॉयिंग विंटर। यहाँ सिगड़ी जल रही है, ये सनी है, ये अंकित है, ये हनी है। आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। की पार्टी? सच में हम लोग डेली है ना एक किताब फ्री दे रहे हैं सबको। हमारी वेबसाइट पे जाइए, रात को 9 से 10 बजे के बीच में आपको फ्रंट पेज पे ये है ना एक ऑप्शन दिखेगा फ्री प्रोडक्ट्स करके, और जब भी मैं कोई फ्री किताब वेबसाइट पे डालता हूँ ना, कुछ सेकंड्स में गायब हो जाती है, क्वांटिटी एक ही रहती है। और आगे कोशिश करूँगा कि इन क्वांटिटी को बढ़ा सकें हम। ये देखो, ठंड के मजे लिए जा रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी अभी तक देख रहे थे क्या तुम? है पूरी नहीं, ये वाला देख रहे थे, दूसरा बड़ा है, उसी वाला का दूसरा बड़ा है, एक ही बची है गुफा के अंदर, एक निकली अंदर छुपा रखी तुमने, और डाल दो उसमें। तो ये जो किताब है ना 9:20 पर अवेलेबल होगी। जब भी कोई फ्री किताब आएगी तो ब्लॉग्स देखिए, और ब्लॉग्स पे मैं कंफर्मेशन बता दूंगा एग्जैक्ट टाइम कि आपको कब देखना है, और ये ऑटोमेटिक वहाँ डिस्प्ले होगी फ्रंट पेज पे, और आपके अगर किस्मत होगी तो आपको मिल जाएगी। और पिछली बार का जो फ्री कैलेंडर गया था ना, वो देखिए ये जा रहा है विपिन राजौरिया जी को। तो शाम का टाइम था, हम शूट करने के लिए स्टार्ट किए ही थे, वैसे शोर शराबा स्टार्ट हो गया। और अभी हनी बना रहा है सबके लिए ब्लैक कॉफी, सबके लिए नहीं, तुम्हारे और सनी के लिए। अच्छा, तू नहीं पी रहेगा? नहीं, मैंने पिया। तो ब्लैक कॉफी जो है वो गजब की चीज होती है, मतलब अगर आप पी रहे हो तो पूरी नींद वींद पूरा सब कुछ उड़ जाता है आपका, और काम में बड़ा मन लग जाता है। गरम ज्यादा है यार, नहीं ठंडी करके देनी चाहिए थी। और अभी है ना, आपको पता है आज क्या है? आज जो है ना 18 तारीख है, 18 दिसंबर है, और जैविम कैलेंडर बोलता है कि 1756 में गुरु घासीदास जयंती है। और इस तरह से जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं ना, उनको बारी बारी हम याद कर लेते हैं। और भी यार डिटेल में जानना है ना, तो एक किताब है हमारे पास बहुजन कैलेंडर, हाल फिलहाल स्टॉक में नहीं है। इसमें भी देखिए बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए उन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि उनको भी जातिवाद ने शिक्षा ग्रहण से रोका। ये 50 बहुजन नायक हैं, मतलब आपको जितने भी ऐसे बहुजन पुरुष जिनके बारे में आपको जानना चाहिए उसके बारे में इस किताब में दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 7वें या 8वें पेज पे दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के युग पुरुष हैं गुरु घासीदास, और पूरी डिटेल में उनके बारे में कि उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आप चाहो तो इस किताब को ले सकते हो, ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैच देख रहे हो? नहीं, एक वीडियो देख रहा हूँ। कस्टमर केयर हो गया क्या? हाँ, तो चलता रहता है मेरा, रात में भी चलता है। परेशान कोई है तो सनी है। मैं सुबह सुबह है ना, फोन आते हैं ना मेरे पास सुबह 6 बजे से ना स्टार्ट हो जाते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ है ना सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक वाले फोन उठाता नहीं हूँ। 12 बजे का फिर जो फोन आते हैं सारे उठाता हूँ। और उसका क्या होता है पता है, जैसे 8 बजे कोई फोन आ रहा है ना, तो मैंने एक SMS सेट कर रखा है, मैं अभी व्यस्त हूँ, सनी को कॉल कर लो। देखो सबकी बात अपने अपने काम है, और वो सब अपने अपने काम अच्छे से करेंगे तो अपन आगे बढ़ते रहेंगे, और अगर एक भी व्यक्ति अपना काम नहीं करेगा तो अपन पीछे चले जाएंगे। सही है। तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, और अभी हो गए हैं 5 बज गए ना। चलो फिर चलें घर को। आज सुबह सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था ना, मेरी कॉर्पस से लड़ाई हो गई थी, वो भी छोटी मोटी बात के लिए कि है ना जूते यहाँ क्यों रखे, जूते वहाँ क्यों रखे, ऐसा वैसा। मैं भी नींद में था, मैंने थोड़ा डांट दिया उसको, अब जाके उसको मनाना पड़ेगा। चलो मनाते हैं कॉर्पस को।
मम्मा कहाँ हैं? कहाँ गई? मम्मा कहाँ गई? ओके गूगल पॉज। ओके गूगल प्ले। ओके गूगल, गुरु घासीदास कौन थे? विकिपीडिया के अनुसार गुरु घासीदास ग्राम गिरौदपुरी तहसील बलौदा बाजार जिला रायपुर में पिता महंगुदास जी एवं माता अमरौतिन के यहां अवतरित हुए थे। गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, के प्रवर्तक है। काम की चीज है। और ये देखो, ये डेस्क जो है ना, ये मेरे लिए थी, मैं अपना लैपटॉप यहाँ चला सकूँ, लेकिन इनका खाना पीना ही चलता रहता बच्चों का। गाजर का हलवा चाहते थे, पर इसमें मैंने अपना सामान रखा। फिर मम्मा ने जो खाली रखा है उसमें नहीं रखते, पर फिर अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वो सामान रखूं। बोलने में चंट है ये लड़की। और हमारा की पार्टिंग अभी सो रहा है। ये देखो ये क्या है? परेशान चल रही थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी बोल तो रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, देखो ऑन कैमरा सॉरी बोल रहा हूँ। इतने हजारों लोगों के सामने कैमरा लगा कर देख नहीं पाया मैंने, मैं आती नहीं कमरे में। क्या लाइव है बता, ये लाइव निकालो। तुम्हारा पैचअप हो गया, अच्छे से खा लो। आप फिर लाइव। अच्छा मेरी लाइव है क्या? और क्या रखें अभी तो। मुझे लगा गुस्सा हो गई मेरे से, आपसे बात ही नहीं करेगी। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।